여러분 안녕하십니까? हेलो एवरीवन। दोस्तों जब से हमारे BTS मेंबर किमसक जिन ने अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन की है उसके बाद से ही आर्मी लगातार अदर मेंबर्स के मिलिट्री सर्विस की अनाउंसमेंट को लेकर परेशान है, जिसमें लास्ट मंथ ही हमारे सनशाइन जे होप ने भी अपनी मिलिट्री सर्विस जल्दी ज्वाइन करने की अनाउंसमेंट कर दी। और अब ऐसी न्यूज वायरल हो रही है कि कल व्यूवर्स ऐप पर लाइव आकर जेके ने भी आर्मी को लास्ट गुड बाय बोल दिया और अब वो भी जल्दी अपनी सर्विस ज्वाइन कर लेंगे। और सोशल मीडिया पर इस न्यूज के वायरल होने के बाद ग्लोबल आर्मी काफी परेशान हो गई और इस न्यूज की रियलिटी जानने के लिए हाइब लेबल्स को मैसेज करने लगी, जिसके बाद हाइब लेबल्स ने इस पर रेस्पॉन्ड भी किया। तो हम आपको इस न्यूज के बारे में बताएं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों ग्लोबल आर्मी इस बात को अच्छे से जानती है कि BTS इन दिनों अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें BTS जिमिन और RM लगातार अपने सोलो प्रोजेक्ट्स के बारे में आर्मी को अपडेट भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी किमसक जिन के बाद जीहोप की एनलिस्टमेंट से काफी परेशान है, लेकिन कल 14th ऑफ मार्च को हमारे गोल्डन मार्क ने जंगकुक व्यूवर्स ऐप पर ऑनलाइन आए और आर्मी से अपनी बातें शेयर करने लगे, जहां जंगकुक ने आर्मी के साथ कई घंटों तक बातें शेयर करते हुए अपने हेयर कट से लेकर अपने आउटफिट्स और वाइन के बारे में बातें शेयर करते हुए काफी इमोशनल बातें भी की। लेकिन जब जंगकुक जाने लगे तो जाने से पहले वो काफी इमोशनल हो गए और आर्मी से कहने लगे कि आप सब खुश रहो, प्लीज बी हैप्पी इवन विदाउट अस। आगे जेके ने कहा कि आपको हमारे बिना खुश रहना भी सीखना होगा क्योंकि हम हमेशा आपके साथ नहीं होंगे। आगे जेके ने कहा कि शायद मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं भी आप सबको बहुत मिस करता हूँ और जब मुझे आप सबकी याद आती है तो मैं काफी इमोशनल हो जाता हूँ। आगे जेके ने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए और वो गुड बाय कहकर चले गए। और इस मैसेज के बाद आर्मी कहने लगी कि क्या ये जेके की हिंट थी कि वो जल्दी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर लेंगे। और इस रूमर के वायरल होने के बाद बिगेट एंटरटेनमेंट ने रेस्पॉन्ड देते हुए कहा कि जेके आर्मी के साथ होते हैं तो काफी इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन जेके अभी एनलिस्ट नहीं हो रहे और जब भी ऐसी कोई न्यूज आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। वहीं इस रेस्पॉन्ड के बाद आर्मी ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जेके आजकल काफी अकेले हो गए हैं क्योंकि सभी मेंबर्स अपने अपने वर्क में बिजी हैं, इसलिए वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए जेके आजकल आर्मी के साथ अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे हैं। वहीं कुछ आर्मीज ने कहा कि अदर मेंबर्स को जेके का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जेके भले ही बड़े हो गए हों, लेकिन उन्हें अभी भी अदर मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही जेके की लाइव एक्सप्लेनेशन वीडियो भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगी हो।